हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये सितंबर के महीने की राशिफल होगी, जिसमें हम देखेंगे करियर, लव में, ओवरऑल आप लोगों की हेल्थ वगैरह सब में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस महीने, ये हम टैरो रीडिंग के जरिए चेक करेंगे। और जिन लोगों को फर्स्ट रीडिंग करवानी होती है, डिटेल स्क्रीन पर है आप लोगों के सामने, नंबर्स मेंशन है, आप वहां पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। साथ ही साथ हमने एक वर्कशॉप शुरू किया है सितंबर 22 की, वो वर्कशॉप होने वाली है स्पिरिचुअल जर्नी की वर्कशॉप होगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपके स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हैं तो आप कैसे पता कर सकते हैं, अगर जर्नी में बहुत ज्यादा स्टक हो गए, लेट्स से आप अपनी लव रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय से स्टक है, नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे उस रिलेशनशिप में मूवमेंट लाए या यूनियन आए, या हम जो है नॉर्मल फील कर सकें, अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें, हैप्पी रह सकें, पीस ऑफ माइंड मिसिंग है, अकेलापन महसूस हो रहा है, इन सब चीज स्थिति से गुजर रहे हो और नहीं समझ पा रहे कि करना क्या है, बहुत से वीडियोस देखे पर आइडिया कुछ लग नहीं रहा है, तो ये वर्कशॉप डेफिनेटली आपके लिए है। ये एक दिन का वर्कशॉप होने वाला है 22 सितंबर को, जो कि जूम कॉल पे लाइव साक्षात मैं जो है सामने आपको बताऊंगी। 12 बजे का ये होगा वर्कशॉप, आपको 2 घंटे या 3 घंटे जो है, ये 2 से 3 घंटे का वर्कशॉप रहने वाला है, जिसे आपको अटेंड करना है। अटेंड करना जरूरी है क्योंकि उससे ही आप लोग जो है ध्यान देते हैं, रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी इसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं होंगी। ये साल में एक ही बार होता है क्लास, लास्ट टाइम ये क्लास जो है 500 से ज्यादा लोगों ने जो है अटेंड की थी और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स इसके मिले थे, मुझे बहुत अच्छे फीडबैक्स मिले थे। सो आप लोग अगर अभी भी कंफ्यूज्ड है अपनी लाइफ में और नहीं समझ पा रहे कि कैसे अब आगे बढ़ें, स्टक एनर्जी आ गई है, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और कुछ आइडिया नहीं लग रहा है ये पोर्टल्स क्या होते हैं, ये जर्नीज में अगर हैं तो इतनी स्थिति ऐसी क्यों है, आउटकम क्या होगा, आगे क्या चीज़ें होंगी और कौन से वो सेलिब्रिटीज थे जो सेम सिचुएशन से गुजरे हैं और उन्हें उनकी भी लाइफ में क्या क्या चीज़ें घटित हुई, ये सब के बारे में हम इस पर स्टडी करने वाले हैं। तो इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए दिया गया जो नंबर स्क्रीन पर है उस पर आप व्हाट्सअप करें, टीम आपको डिटेल्स देंगी, आपको पे करना है डेफिनेटली और उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, उसके बाद आपकी सीट रजिस्टर हो जाएगी। आप 22 सितंबर को बस आपको ये अटेंड करना है और आप सब कुछ समझ जाएंगे, अपनी लाइफ में जो स्टक सिचुएशन है इसमें से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। सो इसे अटेंड जरूर कीजिएगा अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपकी सिचुएशन में लाइफ में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है तो, ठीक है। उसके अलावा ब्रेसलेट वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो उसकी भी डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है, आप व्हाट्सअप करें, आपको अपने बर्थ नंबर या अपनी परेशानी के अनुसार ब्रेसलेट मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। ये रीडिंग सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के बेसिस पर है, लेकिन कोशिश करें नाम के अनुसार देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपको चाहिए तो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, नाम के अनुसार, स्टार साइन, लग्न राशि, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ये सभी जेंडर्स के लिए बनाई जाती है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए थी या था पे कंफ्यूज मत हो जाना, एनर्जीज पे फोकस करना, ठीक है। और इस रीडिंग में मैं जो है जितना डिटेल हो सका उतना डिटेल जो है मैं चेकआउट करूंगी, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग को। अब बारी है मिथुन राशि की, देखेंगे मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का ओवरऑल महीना। डेविल, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में है एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो जो एनर्जीज मेरे सामने पिक हो रही है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों, आप लोगों के लिए इस महीने आपका ध्यान ऐसी चीजों पे पड़ सकता है जो चीजें आपके लिए हानिकारक है। डेविल की एनर्जी आप लोगों के लिए फर्स्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट करते नजर आ रहा है कि इस महीने माइंडसेट थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है, मन में सोच विचार थोड़े से नेगेटिव रहेंगे, प्लस जैसे अल्कोहल है या उल्टा सीधा खाद्य पदार्थ है उन चीजों की तरफ ध्यान जाएगा, या किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ आपका ध्यान जाएगा जो व्यक्ति आपको उतना ज्यादा प्यार नहीं दे रहे या उतना ज्यादा इक्वली वो आपको ध्यान नहीं दे रहे, ऐसे लोगों के पीछे आप ज्यादा भागते नजर आएंगे। इस महीने आपकी एनर्जी डेविल की एनर्जी में है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके अंदर का शैतान आप पर हावी रहेगा, जो कहीं ना कहीं आपको बोलेगा कि लाइफ में नेगेटिव सोचना है, सब कुछ नेगेटिव, अल्कोहल पी ले बहुत ज्यादा, मतलब दारू पी ले बहुत ज्यादा, गलतियां कर और अपने आप ही के ऊपर हर चीज के लिए अपने आप को ब्लेम कर। तो बेसिकली ऐसा नहीं लग रहा है कि लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर नंबर 8 रिप्रेजेंट कर रहा है सैटर्न को, जो ये कह रहा है कि बेसिकली आपके लिए सैटर्न का इम्पैक्ट ज़्यादा हैवी रहेगा इस महीने। इस महीने यूनिवर्स आपको बार बार कह रहा है कि आपको जो है आपके कर्मा के अकॉर्डिंग फल मिलेगा, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप निश्चिंत रहें, सब चीज़ें आपके लिए अच्छी होने वाली हैं, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं।
फाइनेंसेस और करियर में देखा जाए तो थोड़ा सा आपके ऊपर टेंशन बना रहेगा। इस महीने लग सकता है कि जॉब हाथ से चली ना जाए कहीं, या सीनियर समझ नहीं रहे, या फाइनेंसेस जितने आ रहे हैं उतने इतना काफी नहीं है। आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया वाली एनर्जी आपको अंदर से फील हो सकती है। ये महीना मैं जेमिनी राशि वालों आप लोगों को सावधान कर लूं, ये महीना आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रेसफुल होने वाला है, पर हर महीना एक जैसा नहीं होता है। सिर्फ ये महीना आप लोगों के लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा। मैं साथ ही साथ आपको गाइडेंस देती रहूंगी, इसलिए बने रहना एंड तक। मैं आपको बता देती हूँ, करियर फाइनेंस और बिजनेस के मामले में ये महीना इतना अच्छा नहीं है। आपके ऊपर स्ट्रेस बहुत रहेगा, आपको प्रेशर फील होगा, ठीक से आप सोएंगे नहीं, काम का प्रेशर बहुत उठाएंगे। काम करने के बावजूद आपको लग सकता है कि कहीं मेरे सीनियर्स मुझे निकाल ना दे काम से, या ये काम में क्या मालूम मुझे कभी तरक्की मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात से परेशान नजर आएंगे। प्रेशर बहुत रहेगा काम का, देर देर तक जागेंगे, देर रात तक आप काम करते नजर आ रहे हैं, आराम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। फाइनेंसेस देखा जाए तो जैसे कि मैंने कहा, आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया, पैसा आ तो रहा है, पैसे आने के साथ आने की तैयारी कर रहा है, जिससे आप परेशान हो जाएंगे। ऐसा लग सकता है कि यहाँ वो खर्चे आ गए, ये खर्चे आ गए, वो खर्चे आ गए, तो खर्चों को लेकर परेशान होते हुए जरूर नजर आएंगे। इस महीने स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। अगर कोई रिजल्ट आने वाली है तो अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, रिजल्ट में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही है। फोकस नहीं रहेगा, फेलियर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, कल में जो बुरा हुआ है उस पे ज्यादा ध्यान रहेगा, या किसी ने चोट पहुंचाई, जैसे दोस्त है, दोस्त ने धोखा दिया, किसी पार्टनर ने धोखा दिया, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान रहेगा, इसलिए पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई पे फोकस ज्यादा आपको पुश करना पड़ जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट्स के मामले में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जहां आपने इन्वेस्ट किया है वहां पे आपको लगेगा एकदम से रेस्टलेस हो जाएंगे, आपको लगेगा कि उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे, मैं अपना पैसा निकाल देता हूं या निकाल देती हूं। यार ऐसी कोई गलती मत करना, पैसे रहने दीजिए, लॉन्ग टर्म में बाद में बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप इंट्राडे शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में अपने पैसे डाल रहे हैं, थोड़ा सा सावधान, बिना रिसर्च बिना स्टडी के कोई भी एक्टिविटी मत करें। अगर आप थोड़ा सा सीख गए तो इसका मतलब खुद को प्रो मत समझ लें और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स ना करें, क्योंकि यहां पर मुझे लाभ होता हुआ इस महीने आप लोगों के लिए नजर नहीं आ रहा। इस महीने जो एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है लव अफेयर में, लव अफेयर में पार्टनर का फुल सपोर्ट मिलेगा, पार्टनर बहुत प्यार से रहेंगे, प्यार से बात करेंगे, आप भी पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। जो हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है इस महीने, जो एक जगह जहां पर आप बहुत खुश महसूस करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, तो वो जगह होगी आपके पार्टनर या आपके दोस्त जिनके साथ आप हैप्पी फील करेंगे, आपके फ्रेंड्स के साथ या आप अपने पार्टनर के साथ ही बहुत एक्साइटेड और हैप्पी फील करेंगे। जहां पर मैं देखूं आप अपने पार्टनर को लेकर पजेसिव भी बहुत ज्यादा होंगे, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे इस महीने आप उनके ऊपर, बहुत ज्यादा पजेसिव हो जाएंगे कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो थोड़ा सा आप उन्हें परेशान जरूर करेंगे, लेकिन पार्टनर बहुत अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे, पार्टनर आपको बहुत अच्छे से समझ कर लेंगे और वो समझेंगे कि ठीक है आप परेशान हैं इसलिए आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो वो आपके प्यार को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए आपको वैल्यू देते नजर आएंगे। प्लस आप रोमांटिक भी बहुत होंगे, एक पजेसिव ही नहीं, आप एक बहुत बेहतरीन पार्टनर बनेंगे इस महीने। आपके अगर लव अफेयर हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत रोमांटिक होगा इस महीने, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उनके साथ रोमांटिक रहेंगे और पार्टनर भी आपको समझ कर चलेंगे, सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर फाइनेंसिस को लेकर डेफिनेटली मुझे टेंशन दिखाई दे रहा है, खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। अगर कोई दान धर्म के लिए भी मतलब अगर आप दे रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर दीजिएगा, या कोई उधार भी दे रहे हैं तो सोच समझ कर दीजिएगा, बिना सोचे समझे किसी को भी पैसे मत दीजिए, ठीक है। इस महीने हेल्थ को लेकर खर्चे हो सकते हैं सेहत के मामले में, जरूरी नहीं कि वो सेहत आपकी, आपकी सेहत मुझे इतनी खराब नहीं नजर आ रही, पर चांसेस है कि घर में किसी व्यक्ति का बीमार होना, जिसके वजह से खर्चे हो सकते हैं इस महीने। इस महीने जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए क्या स्थिति रहेगी, जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनेगी। मैरिड लोगों के लिए सिचुएशन स्ट्रेसफुल क्यों होगी, एक तो पार्टनर का ध्यान उतना ज्यादा होगा नहीं, आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, या आप लोगों के बीच में बिना वजह की कोई डिफरेंसेस या बहस रहेगी, कि बिना वजह से आपको लगेगा कि पार्टनर बहुत स्टबन बिहेव कर रहे हैं, अपनी गलती नहीं मान रहे या सपोर्ट नहीं कर रहे, या बहुत आलसी पड़े रहते हैं, आप ही को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, वो जितना उनको काम करना चाहिए वो उतना काम नहीं कर रहे, या ध्यान नहीं दे रहे, घर की एक्टिविटीज़ में फोकस नहीं कर रहे, जिससे आप थोड़े से अपसेट होंगे। प्लस आपके फिजिकल नीड्स भी आपके पार्टनर से पूरे नहीं हो रहे, जिससे आप बहुत बहुत लो फील करेंगे, आपको लगेगा कि यार मैं फिजिकल लेवल पे उनके साथ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अकेलापन महसूस होता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने पार्टनर के बिहेवियर को पसंद नहीं करेंगे, उनका बर्ताव आपको थोड़ा सा कठोर और कड़वा लग सकता है। इस महीने अगर आपको जो कोई एक्साइट करेगा, जैसे कि मैंने कहा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले, अगर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है आपकी लाइफ में, और अगर आपके दोस्त हैं तो सिर्फ यही दो लोग हैं, ये दो चीजें हैं जिनके वजह से आप हैप्पी फील करेंगे इस महीने, वरना आप जो है बहुत ज्यादा लो फील करेंगे, यहीं पर ज्यादा खुशी मिलने वाली है, ठीक है। ओवरऑल बच्चों के साथ भी अच्छा समय बीतेगा, आपके बच्चों के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ तो आप बहुत ज़्यादा खुश नजर आएंगे, बहुत हैप्पी नजर आएंगे। अगर कहीं खुशी ढूंढ रहे हो तो अपने बच्चों के साथ ढूंढना, आपके बच्चों के साथ आप हैप्पी मोमेंट में नजर आ रहे हो। यहाँ पर
मैं आप लोगों की बात करूं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों की स्थिति बिगड़ते नजर आ रही है, पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट होंगे, पार्टनर को चेस करेंगे, स्टॉक करेंगे, रेस्टलेसनेस फील करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे पर पार्टनर बर्ताव में बहुत बुरा बर्ताव दिखाते नजर आएंगे जिससे आपका दिल टूट सकता है, पार्टनर का बिहेवियर अच्छा नहीं लगेगा। दीदी क्या कर रहे हो, जेमिनी राशि वालों के लिए एक अच्छी बात नहीं बोली। देखो मैंने आपको धीरे धीरे डायरेक्ट ही, मतलब मैंने स्टार्टिंग के दौरान ही आपको डायरेक्ट बोल दिया, जेमिनी राशि वालों में महीना अच्छा नहीं है। बट ये महीना जरूरी नहीं कि ये महीना अच्छा नहीं है तो आने वाले कोई भी महीने अच्छे नहीं रहेंगे। सब महीने इंसान का समय रहता है, उतार चढ़ाव ही संसार का नियम है, आपको परिवर्तन ही संसार का नियम है, उतार चढ़ाव भी होते हैं, हमारी लाइफ में एक स्थिर कभी लाइफ जाती नहीं है। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस पे होना चाहिए। देखो यहाँ पर जो एनर्जी ज्यादा हैवी मिल रही है वो सैटर्न की मिल रही है, अकॉर्डिंग टू कार्ड्स मैं बोल रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर हम कवर नहीं कर रहे। सैटर्न की एनर्जी की वजह से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो आपकी एनर्जी हो रही है, आपके साथ जो घटित हो रहा है वो कर्मों के हिसाब से हो रहा है। यानी कि क्या हो रहा है ना, आपकी जिंदगी में आपको कर्मा बैलेंस करना है। अब कर्मा कैसे बैलेंस है, अब जो बिगड़ गया तो बिगड़ गया, उसे ठीक कैसे किया जाए। यूनिवर्स कह रहा है कि मन में पॉजिटिव विचार लाओ, पॉजिटिव सोचो, अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करो, अपने अंदर के पॉजिटिव व्यक्ति को जगाओ, यानी कि पॉजिटिव अफर्मेशन प्रैक्टिस करो, डिसिप्लिन रहो, डेली मॉर्निंग टाइम से उठो, अपने काम पे ध्यान दो, प्रायोरिटाइज करो, फोकस करो। हार्डवर्क के बिना लाइफ में कुछ नहीं मिलता, हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे तभी रिजल्ट मिलेंगे। आप मेहनत करेंगे आपको रिजल्ट मिलेंगे। लोगों से एक्सपेक्टेशंस कम रखो, जितना हो सके लोगों से उम्मीदें कम रखो, हर्ट नहीं होंगे, ठीक है। सो ये फिलहाल टेम्परेरी सिचुएशन है, आने वाले समय के रिवॉर्ड्स, आने वाले महीने में आपको बहुत रिवॉर्ड्स ब्लेसिंग्स मिल सकती है, पर इस महीने कहीं ना कहीं एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन जरूर बनी रहेगी। इस महीने कहीं ना कहीं आप बहुत सी चीज़ों को लेकर उलझ जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, केसर का तिलक रोज नहाने के बाद लगा लेना है, मन शांत रहेगा, स्थिर रहेगा। हो सके तो अपने लिए ब्रेसलेट डिज़ाइन करवा ले, उससे भी लाभ होगा। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैं बता चुकी, सिंगल जो लोग मैरिज वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी तो आएगी, पर वो अपॉर्चुनिटीज को लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे। एक अच्छा ऑफर मंथ के एंड में जरूर मिल सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगे कि इस रिलेशनशिप या इस ऑफर को मैं एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ। ओवरऑल थीम जो है एट ऑफ वॉन्स की है, लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस और हैप्पीनेस चाहिए पर वो चीज़ें हो नहीं रही जैसे आप चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपका सोच विचार और देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा इस महीने। आप हर चीज़ में कहीं ना कहीं शिकायतें ढूंढेंगे, रोना धोना ढूंढेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे, हर चीज़ में खुद को विक्टिम जैसा फील करेंगे, जिसके वजह से आपके लिए स्थिति बिगड़ रही है। लेकिन अगर सोच विचार में ही चेंजेस ले आए, मन को अपने ऊपर हावी ना होने दे और मन को कंट्रोल करके ये बार बार बोले कि मैं खुश हूँ, मैं जहाँ भी हूँ मेरी ज़िंदगी में मेरे ईश्वर ने मुझे जोड़ दिया, मैं उसके लिए खुश हूँ, तो आप नोटिस करेंगे समय आपके लिए विपरीत दिशा में जाकर आपके लिए फेवर्स, आपके लिए अबंडेंस लेकर आएगा। इस महीने आपके साथ अगर चीज़ें गलत हो रही है तो कहीं ना कहीं ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही गेम होगा, जहाँ पर खुद आप अपने मन में नेगेटिव चीज़ें करते नजर आएंगे। जबकि मैं आपको एक राज बता देती हूँ, इस महीने चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि अगर आप अपने मन में जो सोचेंगे वही पाएंगे। यानी कि अगर आपने अपनी मनोस्थिति को चेंज करके पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लिखी हुई है। ये महीना आप लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन का महीना बन जाएगा, यानी कि जो मैनिफेस्ट करेंगे वो प्राप्त करेंगे। बट यस, सब चीज़ें आसान नहीं होती ना, लाइफ में संघर्ष होते हैं, तो भगवान आपको ना कंफ्यूज काफ़ी कर रहे हैं, जो डेविल की एनर्जी बन गई है। अपने आप को अगर स्ट्रांग बनाकर पॉजिटिव सोचेंगे तो चांसेस हैं कि आपके मन की इच्छाएं डेफिनेटली पूरी होगी। कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है और स्ट्रांग अच्छे पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करने की जरूरत है, प्रार्थनाओं में प्योरिटी और पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है, ठीक है। सो एक और चीज़ मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगी, जेमिनी राशि वालों, काला धागा इस महीने आप लोगों को जरूर पहनना चाहिए या ब्रेसलेट बनवा लें, क्योंकि नज़र बहुत लगेगी इस महीने आपको, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग विद एडवाइस और गाइडेंस, मैंने आपको गाइड कर दिया आपको क्या क्या करने की जरूरत है, उससे आपको बेटर फील होगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।